हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। छुट्टी का दिन है और आप नाश्ते के लिए कोई ख़ास नाश्ता बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ सूजी के कुरकुरे और क्रिस्पी कटलेट की रेसिपी। सब्जी और सूजी से बने हुए ये कटलेट जितने ही कुरकुरे और क्रिस्पी बाहर से होते हैं ना, उतने ही नरम ये अंदर से होते हैं और किसी भी पार्टी या जश्न के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्टार्टर रेसिपी है ये। तो चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। एक कढ़ाई लें और उसमें 2 छोटी चम्मच तेल डालकर गर्म कर लीजिए और तेल के गर्म होते ही इसमें 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल दें और इसी के साथ में लेंगे बारीक कटी हुई प्याज 1/2 कप, शिमला मिर्ची 1/2 कप, पत्ता गोभी लेंगे 1/2 कप और गाजर लेंगे 1/2 कप। इसे हमने किस के लिया है। अब इन सब्जियों को हल्का सा भून लीजिए, इसे हमें पूरा पकाना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसे हमें बस भूनना है। और अब कढ़ाई में 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे और साथ में स्वाद के अनुसार नमक भी इसमें ऐड कर देंगे और नमक डालने के बाद में कढ़ाई को ढक्कन से ढक दीजिए ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए। आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से उबल गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इस पानी में हम 1 कटोरी मोटी सूजी डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बारीक सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 कटोरी सूजी के साथ में यहाँ पर हमने 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से मिक्स कर लीजिए और फिर से 5 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख दीजिए। इस तरह से सूजी पानी में अच्छी तरह से फूल जाएगी और बाद में हम इस मिश्रण से कटलेट बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए जब तक कटलेट का मिश्रण यहाँ पर तैयार हो रहा है, हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी में 3 चम्मच मैदा लिया है और अब इस मैदे में थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और एक चिकना सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैदे में पूरा पानी एक साथ ना डालें, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। पानी डालकर हम इसे पतला कर लेंगे और एक रनिंग कंसिस्टेंसी का मैदे का घोल तैयार हो जाएगा। दर्शकों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल बटन आइकॉन प्रेस करें जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए घोल तैयार हो गया है। अब इसमें डालें नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्ची का पाउडर डाल दें 1/4 चम्मच और 1/2 चम्मच डाल दें चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास में चिली फ्लेक्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, फिर भी आपकी रेसिपी उतनी ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी। यहाँ पर मैंने ताजी ब्रेड के 3 स्लाइस लिए हैं और अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के एक दरदरा सा पाउडर बना लूँगी और अब हम इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। और आप चाहे तो यहाँ पर ड्राई ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सूजी के कटलेट को कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए इस तरह ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करें जिससे आपके कटलेट्स बहुत ही बढ़िया बनेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड को यहाँ पर दरदरा पीसा है, ब्रेड को बहुत ज़्यादा बारीक ना पीसें। इन ताजी ब्रेड क्रम्स को एक प्लेट में निकाल कर रख लीजिए और इसे अब हम साइड में रख देंगे और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलिए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम कढ़ाई के ढक्कन को खोल कर देख लेंगे। अब यह मिश्रण हमारा अच्छी तरह से तैयार है। अब इस कटलेट के मिश्रण को थोड़ा सा चम्मच से चला लीजिए और इसमें हरा धनिया डालकर इसे मिक्स कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 1/2 कप हरा धनिया लिया है और आप सभी सब्जियों को अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें मशरूम, बेबी कॉर्न या कॉर्न के दाने भी ऐड कर सकते हैं। अब इस सूजी के मिश्रण को एक अलग बर्तन में निकाल लें और इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। आप देख सकते हैं सूजी का यह मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे हाथों से थोड़ा सा मसल लूँगी जिससे कि सभी चीज़ें आपस में एक बार अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। कटलेट बनाने के लिए हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना कर लीजिए और अब सूजी के इस मिश्रण में से थोड़ा सा मिश्रण निकाल लीजिए। इसे हाथों से हल्का हल्का दबाव देकर गोल गोल लड्डू की तरह बांध लीजिए। लड्डू को दबाकर चपटा कर लीजिए और कटलेट को आकार दे दीजिए। मैं यहाँ पर चौकोर शेप के कटलेट बना रही हूँ, आप किसी भी शेप के कटलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। कटलेट को आप गोल, चौकोर या ओवल अपनी पसंद से बना सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए कि कटलेट्स को थोड़ा पतला ही रखिए क्योंकि पतले कटलेट ज़्यादा कुरकुरे और करारे बनते हैं।
तो बस इसी प्रक्रिया के मुताबिक मैंने सभी कटलेट्स को यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। और दर्शकों, आपने भी पहले कभी इस तरह से सूजी के कटलेट्स बनाए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इन कटलेट्स को कैसे बनाते हैं, और अगर आपके पास में कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। सभी कटलेट्स को हम बना के साइड में रख लेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब मैदा का तैयार किया हुआ घोल लें और उसी के साथ में ताजी ब्रेड का तैयार ब्रेड क्रम्स लें। और अब कटलेट्स को ब्रेड क्रम्स में लपेटने के लिए कटलेट को उठाइए और पहले मैदा के घोल में डिप कीजिए, फिर इसे ब्रेड क्रम्स में लपेट लीजिए। इसी भांति सभी कटलेट्स को ब्रेड क्रम्स में लपेट कर तैयार कर लीजिए। कटलेट्स को दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में लपेट लें। सूजी को विभिन्न व्यंजनों जैसे इडली, डोसा, ढोकला, उपमा, पास्ता, केक के भोजन के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज हम यहाँ पर सूजी का एक बहुत ही अलग नाश्ता बनाकर तैयार कर रहे हैं। चलिए, कटलेट्स को हमने ब्रेड क्रम्स के ऊपर अच्छी तरह से लपेट लिया है, अब हम इसे तलने की तैयारी करते हैं। कढ़ाई को पर्याप्त मात्रा में तेल डालकर गरम कर लीजिए और फिर मध्यम आंच पर कढ़ाई में कटलेट तलने के लिए डाल दीजिए। एक बार में जितने कटलेट्स कढ़ाई में आ जाए उतने कटलेट्स डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक पलट पलट कर फ्राई कर लीजिए। एक बार के कटलेट्स को फ्राई होने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लग सकते हैं। आप देख सकते हैं कटलेट एक तरफ से तो अच्छी तरह से सिक गए हैं, अब हम इन्हें पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें यहाँ पर आंच को बहुत ज़्यादा तेज नहीं करना है, हमें सभी कटलेट्स को मध्यम आंच पर ही फ्राई करना है। मैंने कटलेट्स को फ्राई करके एक किचन टॉवल या पेपर टॉवल पर निकाल लिया है जिससे कि इसमें से अतिरिक्त तेल निकल जाएगा। तो बस मैंने बाकी कटलेट्स भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें सर्व करते हैं। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और करारे और अंदर से बिल्कुल नरम सूजी के कटलेट्स तैयार हैं। इन्हें आप हरे धनिए की चटनी, टोमेटो केचप या मनपसंद चटनी के साथ में सर्व कीजिए और गर्मा गर्म खाइए। अब मैं चलते चलते आपको एक दो टिप्स देना चाहूँगी जिससे कि आपके सूजी के कटलेट्स बहुत बढ़िया बनेंगे। पानी को हमेशा नाप कर डालें, सूजी 1 कप है तो सब्जियों में 2 कप पानी डालें और कटलेट्स को तलते समय तेल को मध्यम आंच पर रखें। दर्शकों, आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।